ओके लेट्स गेट दिस स्ट्रेट, आखिर मार्वल को हो क्या गया है? जहां पर एक टाइम पे मार्वल ने दी अवेंजर्स जैसी ऑल टाइम ग्रोसिंग मूवीज दी है, वहां पर हाल ही में उसकी रिलीज होने वाली द मार्वल्स एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप साबित हुई है। हाँ, उसका कलेक्शन भाई की पिक्चर से भी कम था। हद में रहना मेरे साथ। वेल, उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं शम्स मेयो एंड यू आर वाचिंग द फर्स्ट। हम लोग ऐसे ही टॉपिक्स पे बात करते हैं जिसके ऊपर काफी कम लोग बात करते हैं या तो कोई नहीं करता। मार्वल एक ऐसा स्टूडियो है जिसने 26 लगातार ऐसी मूवीज बनाई जो आज तक कभी फ्लॉप नहीं हुई। फेज 4 तक मार्वल सबसे बेस्ट सुपर हीरो मूवीज बनाने के लिए जाना जाता था। यस, मार्क माय वर्ड्स, जाना जाता था, क्योंकि जहां पर वर्ल्ड की टॉप 10 मूवीज के अंदर से 5 मूवीज मार्वल की थी, 4 अवेंजर्स मूवी और 1 स्पाइडरमैन मूवी। तो इससे पता चलता है कि मार्वल की मूवीज कितनी ज्यादा कमाई करती थी। लेकिन हाल ही में रिलीज होने वाली द मार्वल्स मूवी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। उसने इंडिया में टोटल 10 करोड़ भी नहीं कमाए। देखा, टॉप 10, 10 करोड़ भी नहीं कमाए, आंकड़े कितने ज्यादा मैच हो रहे हैं। ऑल इन ऑल टाइगर 3 भी उसके साथ रिलीज हुई थी और उसने अब तक 150 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन इंडिया में कर लिया है। लेकिन साला ये प्रॉब्लम आ कहां से रही है? वेल, अब जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पूरे वर्ल्ड को जाने दो। इंडिया में जो मार्वल का फैन बेस है वो टोटल 18 से 25 या 30 एज के बीच में आता है, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो बचपन से अपने मार्वल मूवीज को देखते आ रहे हैं और सुपर हीरो के इतने बड़े बड़े फैंस है। और मेनली देखा जाए ना तो लड़कियों में इतना क्रेज इंडिया में नहीं देखने मिलता, मेनली सारे लड़के ही है। और फिर उन लड़कों को तुम ये सब दिखाओगे तो यार कैसे चलेगा? अब 2023 के अंदर मार्वल इतना बड़ा स्टूडियो बन गया है कि वो एक साथ काफी सारे प्रोजेक्ट शूट करता है। अब 2021 के पास एक ऐसा टाइम था जब 3 वेब सीरीज और 3 मूवीज एक साथ मार्वल की शूट हो रही थी, तो मतलब सोचो उनको कितना ज्यादा काम करना पड़ रहा है। और वैसे देखा जाए तो सारा के सारा लोड VFX आर्टिस्ट के ऊपर ही आ जाता है, और यही चीज की कमी हमें मार्वल की काफी ज्यादा सीरीज के अंदर देखने को मिली है। अब एज अ सुपर हीरो फैन हम लोग मार्वल से बहुत ही ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मार्वल हमको कहीं ना कहीं वो दे नहीं पा रहा है। अब आई अंडरस्टैंड कि हर सुपर हीरो का एक टाइम होता है, एक स्टोरी होती है, उस स्टोरी के बाद उसको जाना पड़ता है। लेकिन यार अभी तुम लोग जो शी हल्क के नाम पे हमको दे रहे हो, क्या वो जस्टिफाइड है? अरे मार्वल खुद जानता है कि उनकी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड है, लेकिन फिर भी वो लोग जेन जी को टारगेट करके ये सारी हरकतें कर रहे हैं। हाँ, दूसरी तरफ देखने जाए तो लोकी ही एक ऐसी सीरीज है जो अभी तक मार्वल की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही है, और यार वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। लेकिन इतनी सारी सीरीज बनाने के बावजूद जो मैच्योर फैन बेस था मार्वल का, वो सारा की सारा शिफ्ट हो रहा है द बॉयज और जेन वी जैसी सीरीज को देखने के लिए, क्योंकि हमको वहां पर वो कंटेंट मिल रहा है जो हम लोग डिजर्व करते हैं। उन सीरीज में हमको 18 प्लस का सहारा लेके ये बताया जाता है कि आखिर सुपर हीरो के लाइफ के अंदर लोगों को बचाने से ज्यादा भी काफी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। Congratulations and welcome to Godolkin University. जो कि उनका कैरेक्टर पोर्ट्रे करने में और उनकी लाइफ को दिखाने में हमको ज्यादा हेल्प करता है। देखो यार, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्वल को आर रेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ, एक तरफ से करना चाहिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि डिज्नी उसका पेरेंट कंपनी और डिज्नी कभी भी आर रेटेड चीजें नहीं बनाता। हाँ, कई जगह पे उसको ऐसे कठिन स्टेप्स लेने पड़ेंगे जैसे कि डेडपूल, क्योंकि डेडपूल को हम लोग आर रेटेड के अलावा देखना पसंद नहीं करेंगे, वो कैरेक्टर की डिमांड है यार। और अब यार टू बी ऑनेस्ट, मुझे डर लगने लगा है कि वो डेडपूल के साथ भी ऐसी कुछ घटिया हरकत ना कर दे। अब ऑल इन ऑल मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अगर मार्वल जेन जी को टारगेट करने की जगह मैच्योर ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाए तो कहीं ना कहीं मार्वल फिर से इस दलदल से बाहर निकल सकता है। और यहाँ पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस एवंस ने भी बोल दिया है कि हम लोग के आने के चांसेस हो सकते हैं, तो ये लोग मल्टीवर्स का फायदा उठा के ये चीज पॉसिबल कर भी सकते हैं। अब आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है मार्वल के बारे में आप कमेंट करके बता सकते हो। होपफुली आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, अगर ज्यादा ही पसंद आ गई हो तो यार सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिमेंबर, वी आर द फर्स्ट।